नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इन किसानों की तरफ से धरना दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। करीब 100 किसानों को हिरासत में लिया गया, 150 से ज्यादा किसानों के खिलाफ मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है। 100 से ज्यादा किसान फिलहाल पुलिस की हिरासत में। तो ये बड़ी खबर नोएडा से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बुनियादी मांगों को लेकर धरने पर थे किसान। संवाददाता गिरीश नारायण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, 100 से ज्यादा किसानों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। जी निश्चित तौर पर, कल ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई थी। पुलिस लगातार इनसे मना कर रही थी कि धरना नहीं दिया जाए। वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर लड़े थे कि जब तक उनको एक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, जब तक उनकी मांगों को पूरा करने का एक आश्वासन लिखित में नहीं मिलता है, तब तक वो प्रदर्शन अपना नहीं बंद करेंगे। और उसके बाद आज सुबह भी किसान धरने पे बैठे, प्राधिकरण का घेरा। गिरीश, मांगे क्या कुछ यहाँ पर थी इन किसानों की? जी जो ये किसान है, इनका कहना है कि जो प्राधिकरण है उसने किसानों की जमीन लेकर इस शहर को बसाया है, लेकिन अभी भी जो गांव में विकास कार्य है उनकी अनदेखी हो रही है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन तो ले ली गई है, उनको सही मुआवजा नहीं मिला है, उनको 5% का प्लॉट अभी तक नहीं मिला है। कई साल बीत गए हैं, कई बार धरना प्रदर्शन ये लोग कर चुके हैं, उसके बाद भी प्राधिकरण की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। इन सब चीजों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल गिरीश, अब फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, इन्होंने 100 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही कि आखिर पुलिस को इस तरह की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? कल जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो लगातार इस बात पर दबाव दे रहे थे कि ये धरना ना करें। पुलिस इनको बार बार ये कह रही थी कि शहर में धारा 144 लागू है, आप उन नियमों को तोड़ रहे हैं। वही किसानों का कहना था कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, लगातार उनको अवहेलना की जा रही है, तो ऐसे में उनको सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसको लेकर देर रात करीब 150 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था पुलिस ने, धारा 144 उल्लंघन का, और आज तड़के इनकी गिरफ्तारी की गई है। करीब 100 के आसपास किसान हैं। बिल्कुल, जैसे कि गिरीश आप बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा किसानों के खिलाफ पहले मुकदमा देर रात यहां पर दर्ज किया गया था पुलिस की तरफ से। साफ तौर पर इस कार्रवाई के जरिए चेतावनी देने की कोशिश जो है वो किसानों को की गई थी, लेकिन इस चेतावनी का कोई असर किसानों पर नहीं दिखा। शायद यही वजह है कि अब 100 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन अगर फिलहाल मौके की बात करें तो वहां पर अभी किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों को किसानों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर धरना दे रहे थे किसान। जी निश्चित तौर पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे और युवा भी थे, बुजुर्ग थे। लगातार जो पुलिस इस बात पर जोर लगी हुई थी कि इनको यहाँ से हटाया जाए, और किसान अपनी मांगों को पूरा जब तक नहीं होंगे तब तक वहाँ से हटने के लिए राजी नहीं थे। इसके बाद करीब 2 से 3 बसें यहाँ पे बुलाई गई हैं, जो किसान नेता हैं और उनके साथ में जो फिलहाल जिस तरह से गिरीश यहाँ पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ मौजूद किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर? क्या वहाँ पर कोई अशांति अभी किसी तरह की? जी फिलहाल करीब 100 लोगों को हिरासत में लेके पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वहीं पे जो किसान अभी भी कुछ लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी वो अपनी वहां से नहीं हटेंगे। इस तरह की जो दमनकारी रणनीति है पुलिस की, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो लोग जेल भी जाने को तैयार है, लेकिन अपनी मांगों को जब तक वो नहीं मंगवा लेते हैं तब तक ये आंदोलन उनका चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वो बार बार अनदेखी की बात यहाँ पर किसानों की तरफ से की जा रही है, इस अनदेखी को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्यों इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तरह से ये किसान हैं, आए दिन प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण है इस पूरे मामले में, क्योंकि नोएडा का जो विकास का कार्य होता है, नोएडा में जो भूमि अधिग्रहण और क्या कहते हैं जो मुआवजा देने का काम होता है, और नोएडा प्राधिकरण का होता है, तो कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही है जिस तरह से किसानों को सड़क में उतरना पड़ रहा है। चलिए गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।